हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यू। और मैं हूं विकास, और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। बिग बॉस ओटीटी में जैसे कि आप लोग को पता है कि मीडिया आ गई है, एंड मीडिया ने बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं कंटेस्टेंट से। कंटेस्टेंट जिनके सामने ये तीखा सवाल पूछा गया था वो थी दिव्या एंड शमिता, नेहा, प्रतीक, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, सबको सबको रगड़ दिया इन्होंने। सबसे पूछा है इन्होंने तीखे सवाल। अब ये तीखे सवाल है क्या, का वीडियो मैं ऑलरेडी लाइव बता चुका हूं एंड आप लोग जाके देख सकते हैं। बट यहां पे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि अभी तक लाइव में चल रहे हैं, जो कि है अंडरगार्मेंट्स के ऊपर, यार मतलब हाइजीन के ऊपर। और इस पे सवाल उठा है दिव्या का, क्योंकि दिव्या ने क्या किया कि दिव्या ने जो दिखाया गया था कि दिव्या ने जो नेहा के अंडरगार्मेंट्स वाला इशू था उसको बाहर जाके डिस्कस किया, ये बुरा लगा है लोगों को। एंड उसके बारे में हर जगह डिस्कशन चल रहा है, और उनको उनको टैग भी दे दिया गया मिसेज ऑनेस्ट का, तो वो भी एक अलग से डिस्कशन चल रहा है। और ये मतलब 1.5-2 घंटे से लाइव में दिखाया जा रहा है। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दिव्या ही गलत है, लेकिन एक चीज और है कि शमिता ने भी बहुत कुछ गलत वर्ड्स यूज किए हैं, उसको मीडिया ने नहीं बोला, मीडिया ने उनसे ये क्वेश्चंस नहीं किए। और एक चीज और हमें देखा गया है कि जब भी ऐसा कुछ होता है एंड कंटेस्टेंट्स अगर दिव्या या जो भी है वो जाते शमिता को बोलने कि तुमने ये बोला है, तो शमिता बोलती है अगर मैंने ऐसा बोला होता तो करण कभी भी ये टॉपिक जरूर उठाते और मुझे जरूर बोलते। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि करण जी मतलब क्या शमिता के बार बार रेफरेंस लेना, वो इज इट गुड और बैड? बिकॉज एक बार इसी चीज के लिए करण जी ने दिव्या को डांटा था, यू शुड नॉट टेक माय नेम एंड ऑल समथिंग। यहाँ पे शमिता हर बार उनका नाम लेती है लेकिन उसके बारे में कोई बातें नहीं होती है। एनीवेज, तो बस था कि मुझे ये पॉइंट मुझे बुरा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि ये पॉइंट को रेज करना, उसको डिफेम करना, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, मतलब ये जरूर आप बताइए। दूसरी बात है कि हाँ, अगर दिव्या गलत है उसको वहीं पे जाके कंफर्ट कर लेना चाहिए कि हाँ मैं गलत थी, मैंने गलती किया, ये नहीं किया, एंड उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर दिया, तो जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि दिव्या गलत है। ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या उसे वो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। तीसरी बात, मुझे प्रतीक की एक बहुत अच्छी चीज लगी कि प्रतीक बीइंग अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन दिस टॉपिक, हर जगह जाके बस यही बोल रहा था कि दिव्या को भी उसने बोला कि यार तुमको सिर्फ बोल देना चाहिए था कि तुम्हारे से यही गलती हुई कि तुम निशांत के साथ बाहर जाके डिस्कस की, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। तो एंड उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बोला है और पूरा ट्राई कर रहा है कि जो बात ये अभी तक चल रहा है उसको ट्राई कर रहा है कि उसको शांत किया जाए, विच इज गुड। ओके, एंड शमिता वाला जो टॉपिक था जिसमें उन्होंने मूज के फिजिकल अपीयरेंस में क्वेश्चन किए थे, मतलब बहुत सारे कमेंट्स किए थे और भी बहुत कुछ बातें हुई थी अंडरगार्मेंट सेम चीज के ना, तो आज का लगता है कि दिन पूरा अंडरगार्मेंट्स के ऊपर ही जाएगा। एंड लेट्स सी क्या होता है, लाइव एपिसोड अभी भी चल रहा है तो आप लोग एंजॉय कीजिए लाइव एपिसोड को, और हमारा रिव्यू देखना मत भूलिएगा एंड डिबेट हमारा ज्वाइन कीजिए। एंड वी विल बी बैक सून एट 10 PM IST। बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।